एशिया ट्रॉफी से रिलेटेड ये फैक्ट जानकर आप हैरान होने वाले। एशिया ट्रॉफी में आज तक 14 फाइनल्स खेले गए हैं, जिसमें से इंडिया 9 बार फाइनल्स में पहुंची है और पाकिस्तान 5 बार। लेकिन आज तक एशिया ट्रॉफी के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान ने एक दूसरे का आमना सामना फाइनल्स में किया हो, या फिर ये दोनों टीम्स एक साथ फाइनल्स में पहुंची भी हैं। तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान की ओडीआई सीरीज के बारे में। मैंने कहा और आपने मान लिया, ओडीआई सीरीज नहीं, एशिया ट्रॉफी। लेकिन जिसको सबके सब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सीरीज ही मानते हैं, जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें 4 टीम्स और खेल रही हैं और नेपाल की तो ये फर्स्ट एवर एशिया ट्रॉफी है। पर कुछ भी कहो, हम सब सिर्फ और सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैच का इंतजार करते हैं। सवाल ये है कि ऐसा लोग क्यों करते हैं, दिन रात सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैच का इंतजार क्यों रहता है। इंडिया और पाकिस्तान का 36 का आंकड़ा मैदान पर तो जरूर दिखता है और फैंस के बीच भी दिखता है। और पिछले 10 सालों में इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई भी सीरीज नहीं खेली गई है, सिर्फ एशिया ट्रॉफी और आईसीसी टूर्नामेंट्स में ही इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने नजर आती हैं। ऐसे में इन मैचेस की डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई एकदम कम, और इसी वजह से जब भी आपके कानों तक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की खबर पहुंचेगी, तब तक आप देखेंगे कि फैंस, मीडिया, सपोर्टर्स, हर आम आदमी केवल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के बारे में बात कर रहा होता है। जैसे अभी 2 करोड़ से ज्यादा लोग प्रोबो ऐप पर भी यही बात कर रहे हैं। अगर आपने प्रोबो ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट जाइए डाउनलोड कीजिए। तो ये इंडिया पाकिस्तान की जो क्रिकेट दुश्मनी या क्रिकेट राइवलरी जो है ना दोस्तों, ये 1952 में शुरू हुई थी, जब इंडिया ने पाकिस्तान को सबसे पहले इंटरनेशनल मैच में ही 1 इनिंग्स और 70 रन से बुरी तरह धो दिया था। लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तान की टीम स्ट्रांग होती गई और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस में इस समय पाकिस्तान इंडिया से टेस्ट और ओडीआई दोनों ही फॉर्मेट्स में काफी आगे है। इंडिया सिर्फ T20 इंटरनेशनल्स में ही आगे है। वर्ल्ड चैंपियनशिप के स्टैट्स देखकर आपको पक्का ये लगता होगा कि भाई इंडिया तो पाकिस्तान को धो देगी और इंडिया पाकिस्तान से डेफिनेटली काफी अच्छा खेल रही है। बट सच तो ये है कि इंडिया पाकिस्तान से इस समय काफी पीछे चल रही है, क्योंकि ODIs इंडिया ने अब तक केवल 55 टाइम्स जीता है और पाकिस्तान ने 73 टाइम्स। लेकिन एशिया ट्रॉफी में ये मामला उल्टा है। एशिया ट्रॉफी में इंडिया ने पाकिस्तान को 7 बार हराया है, जबकि पाकिस्तान ने इंडिया को केवल 5 बार हराया है। इंडिया ने अभी तक खेली गई 15 एशिया ट्रॉफीज में से 7 ट्रॉफीज जीती भी हैं, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ 2 ट्रॉफीज जीती हैं। तो अगर एशिया ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान से बेहतर खेलती आई है, तो हॉट सवाल भी ये है कि क्या इस बार एशिया ट्रॉफी में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल्स देखने को मिलेगा। इंडिया एशिया ट्रॉफी में 9 बार फाइनल्स खेल चुकी है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, आज तक भी फाइनल्स में एक बार भी इंडिया ने पाकिस्तान का सामना नहीं किया है। इस समय पाकिस्तान की ODI रैंक 1 है और इंडिया की T20 इंटरनेशनल्स की रैंक 1 है, तो मुकाबला टक्कर का होने वाला है। तो चलिए, वीडियो खत्म करने से पहले आपको बता देती हूँ कुछ ऐसी मसालेदार बातें जिनका हम सबको इंडिया पाकिस्तान के मैच में इंतजार रहेगा। पहली तो, विराट कोहली ने जो हैरिस रॉफ को 2 छक्के लगाए थे ना, वो ना फैंस भूले हैं ना हैरिस रॉफ। दूसरा, शाहीन शाह अफरीदी के अगेंस्ट रोहित शर्मा, कोहली और राहुल कैसे खेलते हैं ये हर इंडियन देखने के लिए बेताब होगा। और तीसरा, बाबर आजम वर्सेस कुलदीप यादव। अगर आपको कुलदीप के वो बॉल याद हो जिसके सामने बाबर ऐसे लगे थे जैसे उनको बैटिंग आती ही नहीं है, तो अगर आपको भी ऐसे कोई मसालेदार मोमेंट का इंतजार है इस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से रिलेटेड, तो कमेंट्स में बताओ। और अगर आपने प्रोबो डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी कर लो, क्योंकि प्रोबो ऐप पर मिलेंगे आपको कुछ आसान एशिया ट्रॉफी से रिलेटेड सवाल, जिनके जवाब आप केवल हाँ या ना में देकर सही होने पर बड़े प्रॉफिट्स बना सकते हो। तो बस जाओ, ट्रेड योर ओपिनियंस ऑन एशिया ट्रॉफी ऑन द प्रोबो ऐप एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।